हाय एवरीवन, दिस इज कविता आंचना, योर मैथ्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस। एक ही बार में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आज। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा नाम है सविता अंचना। आई एम एमएससी पीएचडी मैथ्स। और आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है। वहाँ पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। और अब मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ अनअकैडमी पर। तो बच्चा, आज हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्लास 9th का नंबर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं एक ही बार में। तो कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ जुड़े रहना है यहीं पर। और हाँ, देखना आपको लगेगा ये चैप्टर इतना आसान है मैम, इतनी जल्दी हो गया, 1 घंटे में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो यही आज हम करने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपने लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, SAVITA सविता। उससे आपको मिलेगा 10% ऑफ, फ्लैट 10% ऑफ। चलो, आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कि कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, किस किस तरीके के नंबर्स होते हैं, उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इससे रिलेटेड चैप्टर, रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा होगा। ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, उसी से आगे पढ़ना हम जारी करेंगे, है ना। बट अगर किसी ने 8th में वो चैप्टर नहीं पढ़ा है या कह रहे हो मैम थोड़ा थोड़ा याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम रिवाइज करेंगे जो भी चीजें अब तक हमने छोटी क्लासेस में कवर की है उनको। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। तो देखो, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, जब हम छोटे होते हैं तो काउंटिंग शुरू करते हैं। कैसे काउंटिंग शुरू करते हो जब आप छोटे होते हो, तो 1 2 3 4, है ना। तो ऐसा मान के चलो कि वही नेचुरल काउंटिंग है, ठीक है, वही नेचुरली आप सीखते हो, तो उसका वहीं से नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस ये याद करने का, ये आपको मेमोराइज करने की एक ट्रिक है। कैसे याद करना है नेचुरल नंबर की, नेचुरल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 100 भी आता है, 1000 भी आता है, 10,000 भी आता है, और इसी तरीके से आगे चले जाओ। तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों? बहुत सारे मैम, कोई एंड ही नहीं है, है ना। 1000 पे जाओगे तो 10,000 भी मिलेगा, 10,000 पे जाओगे तो 1 लाख भी मिलेगा। तो मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। अब क्या हो अगर मैं नेचुरल नंबर में कर दूं ऐड 0? अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, जो नंबर सिस्टम मिलेगा, उसे हम कहेंगे बच्चों होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर मतलब एक तरीके से अपनी काउंटिंग अब कंप्लीट हो गई। पहले 0 नहीं था, 0 भी आ गया है, तो अब ये सारे मिलके बन गए होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 मिलके क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर्स। अब आप कहोगे मैम देखो, हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी सुना है, -1 -2 -3, बिल्कुल सुना है। तो अगर आप होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हो ना, -1 -2 -3, तो ये जो पूरा कलेक्शन है 0 +-1 +-2 +-3, ये जो नंबर सिस्टम है ये बन गए इंटीजर्स। क्या बन गए बच्चों? इंटीजर्स। इनमें जो ये प्लस वाले जो नंबर्स हैं, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये जो प्लस वाले जो नंबर्स हैं ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गया इंटीजर्स के बारे में। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, हमने नेचुरल नंबर कवर किया, हमने होल नंबर कवर किया, फिर हमने इंटीजर्स कवर किए। लेकिन इनके अलावा भी आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, जैसे 2/3, 1/5, है ना, या 0.12, इस तरीके के जो नंबर्स देखे हैं इनको हम बोल देते हैं रैशनल नंबर्स। तो अगर रैशनल नंबर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो। अब आपसे कोई पूछे p/q क्या होता है, तो p एंड q है इंटीजर्स, यानी कि +-1 +-2 +-3 कोई भी नंबर हो सकता है। तो p/q फॉर्म के नंबर जिसमें p एंड q है इंटीजर्स, एक कंडीशन के साथ ये रैशनल नंबर बनेंगे। कौन सी कंडीशन बच्चों? कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है ना। हमने p और q इंटीजर बोल दिया, तो क्या 0 भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है।
सपोज मैं 2 को डिवाइड करना चाहूँ 0 से, तो मैं 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए? 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिलना है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिलना है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिलना है। मतलब ऐसा एक भी नंबर नहीं है पूरे के पूरे मैथ्स में जिसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ और मिल जाए। तो 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बन जाती है ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू है इंटीजर्स, बट क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर चलेगा। समझ में आया? डन। चलिए उसके बाद देखो, इतना तो आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, लेकिन इरेशनल नंबर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आप पहली बार सुन रहे हो। इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। हाँ जी, नंबर लाइन पे जब आप देखोगे 0 भी आता है, 1 भी आता है, 1/2 भी आता है, और कई बार आपने अब तक देखा होगा √2, √3 ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे। तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर थे ना बच्चे, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, और ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन अभी बताऊंगी कि कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर बनते हैं, पर अभी इनकी एक डेफिनेशन ये सीख लो कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर ना हो, मतलब रैशनल नंबर क्या थे जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाए, तो ऐसे नंबर्स जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, पाई। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। अभी देखो, अब आते हैं, देखो मैम, अभी आप सोचोगे मैम इतना चीजें क्लियर नहीं हुई है। देखो √2 जो है, √2/1 लिख सकते हैं बेटा, √2y/1, p by q तो लिख दिया, लेकिन कंडीशन क्या थी? p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 इंटीजर है? नहीं है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर इंटीजर्स बनते हैं, है ना। एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन देती हूँ, ये एग्जांपल देखो, इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर आपने कहा पी बाय क्यू फॉर्म के होते हैं, राइट। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 10/3, तो बच्चों 10/3 को डेसिमल फॉर्म में निकालो, डेसिमल फॉर्म में इसका कैलकुलेट करो कितना होता है। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको आंसर मिलने वाला है 3.333 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 3.3 और ऊपर मैंने लगा दिया 3 के ऊपर बार। बार का मतलब है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर का, जैसे कि 7/8। 7/8 मैंने नंबर ले लिया है, 7 को 8 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.875, मतलब 5 के बाद कोई नंबर नहीं, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, 0.875 आपको आंसर मिला डेसिमल फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। 1 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तो देखो तो पॉइंट आ गया पहले ही, 0.0 अप्लाई किया, 7 1 जो 7, 3 बना, फिर 4 जो 28, 2 बचा, फिर 2 14, है ना, कितना बचा 6, फिर 8 आएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करते जाओगे ना, तो आप एक चीज नोट करोगे कि 1 4 2 8 5 7, ये जो सीरीज है ये बार बार रिपीट होती है, एक बार आ गई फिर से यही आ रही है, फिर से यही आ रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.142857, और इन सारे नंबर्स के ऊपर बार, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ऊपर 3 रिपीट हो रहा था ना, ऐसे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से आती है रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? कि रैशनल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो या तो पॉइंट के बाद आके रुक जाएं, जैसे कि 0.875 इतना आंसर आ जाए, या एक डिजिट बार बार रिपीट होती हो, जैसे कि 0.33333 ये बार बार आ रहे थे, या फिर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे कि 1 4 2 8 5 7, बार बार यही नंबर आ रहे थे। तो क्या था कि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहे हैं, बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स। हाँ जी, समझ में आया क्या? पहले रैशनल नंबर्स को डेसिमल में निकालो, या तो वो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे होंगे तो कोई एक ही नंबर या एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर के बारे में देखो, इधर देखो अपने राइट हैंड साइड सीक्वेंस देखो, 101, फिर 1011, फिर 10111, ऐसे 10111111। तो ये जो डेसिमल के बाद जो सीक्वेंस है नंबर की, ना ये रिपीट हो रही है और ना ही ये खत्म हो रही है। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड
इट इज नॉट रिकरिंग या नॉट रिपीटेटिव, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, जो ना तो पॉइंट के बाद खत्म हो और ना ही रिपीट हो एक सीक्वेंस। जैसे कि रूट टू की वैल्यू देखो क्या आती है, 4142135623709504888, ऐसे निकालते चले जाओ आप डेसिमल के बाद ना, आप चाहे 1000 प्लेसेस तक चले जाओ, 10,000 प्लेसेस तक चले जाओ, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती जाएगी और इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं है और ना ही ये खत्म होती है। ऐसे नंबर्स हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही पाई, पाई है 3.14159265358, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही और चलती ही चली जा रही है। आपको पता है पाई की वैल्यू 1 बिलियन डेसिमल के बाद 1 बिलियन प्लेसेस तक निकाल ली गई है कंप्यूटर्स का यूज करके, इसके बाद नहीं निकाली गई है, मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि खत्म ही नहीं होके दे रहा है। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन यहीं से आती है। कैसे नंबर्स आफ्टर डेसिमल दे आर नॉट रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन रिअकरिंग, रिअकर भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ अलग ही सीक्वेंस आती चली जाती है, आती चली जाती है, ऐसे नंबर्स हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, रैशनल में पॉइंट के बाद या तो खत्म हो जाएगा सिस्टम, नहीं खत्म हुआ तो रिपीट होगा, लेकिन इरेशनल में ना ही तो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है, चलती चली जाती है सीक्वेंस। तो ये हो गए रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये जो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है। तो रैशनल नंबर्स आर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, जैसे कि किसके केस में था, ये 7/8 के केस में था, टर्मिनेटिंग था, या तो टर्मिनेट होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, टर्मिनेट नहीं होगी लेकिन एक ही टर्म बार बार आएगी। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल। इन्होंने बोला कि एक रैशनल नंबर होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रीअकर करेगा, और अगर ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है या रीअकर कर रहा है उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। इन्होंने दोनों तरीके से बात हमें घुमा के बता दी है, सिंपल सी बात थी वो हमने समझ ली कि डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो सेम डिजिट या सेम सीक्वेंस रिपीट होनी चाहिए, रैशनल नंबर की बात खत्म। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बच्चों पॉइंट के बाद कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा और कभी भी रिपीट नहीं होगा, कोई नया नंबर आता जा रहा है, नई सीक्वेंस आती जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो अब आप कहोगे कि मैम अब तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, इतने सारे नंबर सिस्टम, मतलब कंफ्यूजन है ना। तो चलो एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जो नेचुरल नंबर था, जो होल नंबर था और जो इंटीजर्स थे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। ये क्या है? रैशनल नंबर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि आप इन सारे नंबर्स को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, नंबर वही रहना है। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 थी ना, तो इनको लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, या फिर जैसे 2 को 4/2 भी लिख सकते हो क्योंकि कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो तीनों के तीनों सिस्टम सेटिस्फाई करते हो। तो आप बोलोगे मैम तो अब तक मतलब हमने सारे रैशनल नंबर्स ही पढ़ते आ रहे थे। यस। तो मैम रैशनल और इरेशनल दो अलग तरीके के नंबर हैं। बिल्कुल। तो रैशनल और इरेशनल जो है ये मिलके बनाते हैं आपका पूरा नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम में एक्चुअली दो ही तरीके के नंबर होते हैं, एक होते हैं रैशनल जिसमें इंटीजर्स भी आते हैं। रैशनल में क्या क्या आ जाते हैं बच्चों? इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, है ना? एक ही बात है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं और सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो वो एक्चुअली रैशनल नंबर के ही थोड़े थोड़े नंबर लेके हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया। तो अब हमारा जो पूरा रियल नंबर सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रैशनल और इरेशनल। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि मैम हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी बताना बच्चों, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में उसको अपना क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, और इसी तरीके से हमारा मैथ्स हो जाएगा बिल्कुल एकदम बढ़िया, 100 out of 100 मार्क्स आने, कहीं नहीं जाना है एक नंबर भी, सब कुछ समझ में आना है। आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप तभी की तभी आंसर दे दोगे, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब तक हमने क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल की, इरेशनल की, तो अब कुछ क्वेश्चन करने भी जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम सीखेंगे कि कैसे
दो आप कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, राइट? और इसके साथ साथ आप सीखोगे कि कैसे इरेशनल नंबर निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में, कैसे इरेशनल निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में तो यही पूछे जाएंगे। डेफिनेशन तो क्लियर है लेकिन क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो चलो पहला क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में हमारे पास आता है कि आपने शो करना है कि जो नंबर है 0.235 बार, ये जो नंबर है इसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दिखाना है कि ये रैशनल नंबर है। पहली बात तो मुझे बताओ, देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है 0.353535। आप कहोगे हाँ जी मैम है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 35 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आता है, या तो रुक जाए या तो टर्मिनेट हो जाए। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट होना चाहिए, तो रिपीट हो रहा है, तो मैम ये रैशनल नंबर है। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं कि इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिखे, क्योंकि रैशनल नंबर है तो पी बाय क्यू फॉर्म में तो लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यही रैशनल नंबर की एक जो रियल डेफिनेशन है वो यही है। तो चलो करते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने 0.35 बार, ठीक है, इसको मान लेना है एक्स। इसको क्या मान लेना है हमने, एक्स। लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। इतना सबके समझ में आया, एक्स मान लिया। चलो ऐसे लिख देती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0.235 बार। अभी तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट डेसिमल के बाद, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक ही नंबर रिपीट होता तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होता। अगर तीन नंबर रिपीट होते तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होता। लेकिन सिर्फ दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। कर दीजिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, क्या मिलना है, 100x इज इक्वल टू, और इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाना है, सॉरी, 23.53535, सो ऑन, है ना। 23 आगे आ जाएगा, 5 बचेगा, फिर 3535, सो ऑन, 35 रिपीट होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 100x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितना था, 235 बार। तो ये जो मेरा नंबर है 23.535 बार, इसको मैं पता है कैसे लिख सकती हूँ, 23.3 प्लस 0.235 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि 23.3 में अगर 0.235 बार ऐड करोगे तो वापस वही मिलना है 23.535 बार। और ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम जो नीचे जो रिपीट हो रहे हैं ना टर्म, उसको एक्स लिख पाए, क्योंकि ये हमारा एक्स था। तो इसलिए हमने क्या किया, 23 को इस तरीके से लिख दिया कि एक्स निकल जाए अलग से, तो एक्स को अलग निकाल दिया। अब इसकी जगह एक्स पुट कर देंगे क्योंकि ये तो एक्स है। दिस इज इक्वल टू 100, एक्स इधर आएगा कितना मिलेगा, 99x, इधर क्या मिला, 23.3। एक्स कितना आ गया बच्चों, 23.3/99, पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ गया 0, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 22.33/990। और एक्स क्या था, एक्स तो 0.235 बार था, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई 233/990। इतनी ज्यादा समझ में आई, ये है हमारा पी बाय क्यू फॉर्म फॉर दिस रैशनल नंबर। सबको क्लियर हुई, आसान था ना। क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो एक 10 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, अगर पॉइंट के बाद थ्री नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब आपने क्या करना है कि तीन डिफरेंट रैशनल नंबर्स निकालें, किस किस के बीच में, 5/7 एंड 9/11। बड़ा आसान, 5/7 को पॉइंट फॉर्म में लिखो, डेसिमल फॉर्म में लिखो, 9/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखो। लिखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.7 यानी 49, 1 बचा, फिर 1, 3 बचा, देन 4, फिर 2 बचा, फिर आएगा 2 आपके पास, देन बचा 6, और फिर आ जाएगा 8। तो आपको मिल गया 0.71428। ओके, आगे भी कोई सीक्वेंस आ रहा होगा,
बट हमारा यहीं से काम चलने वाला है तो मैंने इतना ही निकाला है। ठीक है, 9 by 11 निकालो बच्चों। 9 by 11, 9 को डिवाइड करना है 11 से, तो 0.2 बचा, 1 से करेंगे 11 आया, फिर 9 बचा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये बन गया 0.81 बार। तो 5 by 7 हो गया 0.71428, 9 by 11 हो गया 0.81 बार। इतना समझ में आया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों आपको एक नंबर है 0.714, एक है 0.8181, ठीक है, इनके बीच में दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल नंबर कैसे? ऐसी सीक्वेंस जो रुके बिना और जो रिपीट बिना होती हो। तो देखो 7-1 और 8-1 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? देखो 7-4 भी लाई करेगा, 0.74, 0.75 भी लाई करेगा, 0.76 भी लाई करेगा, 0.77 भी करता है, 0.78 भी करता है, आपकी मर्जी है, जो भी नंबर अच्छा लगे वो ले लो। मैंने 0.74, 0.75, 0.76 ले लिया। अब मुझे इसकी ऐसी सीक्वेंस बनानी है जो रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो। जैसे 0-1 लिख दिया, फिर 0-0-1 लिख दो, फिर 0-0-0-1, 0-0-0-0-1, 0-0-0-0-0-1, और इस तरीके से चलते चले। ये एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही 5 के पीछे लगा दो, 7501001000001, ऐसे ही लगाते चले जाओ सेम सीक्वेंस, एंड यू विल गेट योर इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। है ना बड़ा आसान? बड़ा आसान है ना? कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, अगर फिर भी आई है क्या करने वाले हो? कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हो कि मैम देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप जल्दी से हमें इसका आंसर बता दो, तो मैं जल्दी से आपको उसका आंसर बता दूंगी। ठीक है बच्चों? ओके चलो, अब आ जाते हैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो काफी बार आपके एग्जाम्स में आपकी मैम या आपके सर आपसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि चलो एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, किस पे? रियल नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करना जरूर आएगा, कि रियल नंबर्स को प्लॉट करो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पता है ना कैसी होती है? नंबर लाइन होती है मैम जिसमें बीच में जीरो आता है, जिसके राइट हैंड साइड होते हैं 1, 2, 3, 4 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं मैम नेगेटिव इंटीजर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही नंबर लाइन होती है। तो इसी नंबर लाइन पे हमने लोकेट करना है रूट टू को। चलो बच्चा रूट टू लोकेट करेंगे, चाहे रूट टू हो, चाहे रूट थ्री हो, चाहे रूट फाइव हो, चाहे रूट सिक्स हो, एक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला है वो? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अरे क्या बोला आपने मैम? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम अप्लाई करते हैं, और जो हमें रिलेशन देती है उसकी तीन साइड्स के बीच में, जहाँ पे एच है हाइपोटन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है, P है परपेंडिकुलर जो हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और B है बेस जिसके ऊपर वो 90 डिग्री एंगल खड़ा होता है। तो ये तीन साइड्स हो गई इस फॉर्मूले का यूज करने वाले। कैसे यूज करने वाले हैं? देखो मुझे निकालना है H, H मेरा रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है ना। तो देखो मुझे सपोज यहाँ पे चाहिए रूट टू, क्या चाहिए मुझे? एच रूट टू चाहिए। तो बच्चा मैं पी की वैल्यू क्या रखूँ और बी की वैल्यू क्या रखूँ कि मुझे टू मिल जाए? आप कहोगे मैम दोनों वन रख दो, तो 1+1 रूट टू आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी जिसका परपेंडिकुलर हो 1, जिसका बेस हो 1, और जिसका हाइपोटन्यूज हो रूट टू। ऐसे रूट थ्री में करेंगे, क्यों? जैसे मान लो रूट थ्री कैसे आएगा, पी ले लो रूट टू, बी ले लो 1, तो रूट टू का स्क्वेयर हो गया 2 और 1 का स्क्वेयर हो गया 1, दोनों का सम हो गया रूट थ्री, इस तरीके से। तो चलो इसको कैसे प्लॉट करेंगे। सपोज ये मेरे पास जीरो है, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लिया ए, और मैंने इसकी लेंथ ले ली 1। ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आता है ना ड्रॉ करना कैंपस से, ऐसे एक सेमी सर्कल बनाते, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, फिर इधर काटा, फिर इधर काटा, ये बन गया अपना परपेंडिकुलर। या आप अपना डी भी यूज कर सकते हो, और इसकी भी लेंथ लेना बच्चा 1, कितनी लेनी है 1। फिर ओ को मिला देना इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है बी, ठीक है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये है हाइपोटन्यूज। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइपोटन्यूज की वैल्यू कितनी होगी? रूट टू। लेकिन रूट टू आप कहोगे मैम ये वाली लाइन है, हमें तो इस वाली लाइन पे दिखाना था रूट टू,
अच्छा बड़ा आसान है, पता क्या करेंगे, अपना कैंपस लो, ओ पॉइंट पर रखो और उसको इतना खोलना है बी पॉइंट तक, मतलब रेडियस रूट टू लेनी है। यहाँ पे रखो रूट टू रेडियस ले लिया, और फिर एक क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ पे लग के, आप ऐसे एक आर्क ड्रॉ करोगे, ये बन गया आपका सर्कल। अब आप एक थोड़ा सा पीछे जाके बनेगा, अच्छा एक, अच्छा इतना बन गया। सर्कल में सारी रेडियस इक्वल होती है, पता है ना, सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। तो देखो ये है सर्कल की रेडियस रूट टू, और ये भी सर्कल की रेडियस है, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, रूट टू होगी। कितनी हो गई, रूट टू। और ये हो गया हमारा रूट टू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। कितना सिंपल है, क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। हमें पता है कि रूट टू को हमें लाइन पे लेके जाना है, तो पहले हमें परपेंडिकुलर बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बेस किस तरीके से लेंगे कि हाइपोटन्यूज की वैल्यू रूट टू आ जाए, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी वन लेना पड़ेगा, बेस भी लेना पड़ेगा वन। तो ये हमें मिल गया वन बेस, सॉरी वन बेस और वन परपेंडिकुलर, ये आएगा हाइपोटन्यूज। इसको रेडियस लेकर एक भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट हमें देगा रूट टू का वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये रूट टू की। क्लियर सबको? चलिए बच्चा नेक्स्ट, एक और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं, एक और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। क्या है इसके अंदर, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है 2.665 को नंबर लाइन पे, 2.665। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं शायद उसको, कि मैग्निफाई करते जाओ अपनी लाइन को। आपने वो लिया ना, लेंस लेते हैं जिससे छोटे छोटे नंबर्स भी दिख जाते हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी नंबर लाइन को उस लेंस के थ्रू देखना है और फिर 2.665 प्लॉट करना है। अब देखो नंबर पेज पे करके बताते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसी होगी। ये मेरी लाइन है, नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2.665, मैं पूछूं बच्चा 2.665 कहाँ पे लाई करेगा, तो आप कहोगे कि मैम ये तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो यस बच्चा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में भी 10 पार्टीशन कर दो, जैसे कि ये बीच वाला पार्टीशन ले लेते हैं 2.5, ये हो गया 2.1, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4, ऐसे ये 2.6, ये 2.7, ये 2.8, ये 2.9 और ये 3। इतना कर दिया। अब मैं कहूँ बच्चा अब बताओ 2.665 कहाँ जाएगा, आप कहोगे मैम 2.6 और 2.7 के बीच में, क्योंकि 2.6 से बड़ा है लेकिन 2.7 से छोटा है। तो बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने, 2.6 से बड़ा है लेकिन 2.7 से है छोटा, तो अब इसके 10 पार्टीशन कर दो। ये 2.6 है तो बीच में लाइन मिलेगी 2.65, यहाँ मिलेगी 2.61, ये 2.62, ये 2.63, ऐसे ही 2.64, ये 2.66, 2.67, 2.68, 2.69। अब मैं पूछूं बच्चे अब बताओ, तो अब आप कहोगे मैम ये तो 2.665 है, मतलब 2.66 से बड़ा लेकिन 2.67 से छोटा है ना। तो अब इसको ले लेते हैं, इसको इधर प्लॉट कर दो बच्चे, 2.66 एंड 2.67, इसके बीच के भी 10 पार्टीशन कर लो। जो बीच का पार्टीशन मिलेगा 2.665, यहाँ पे मिलेगा 2.661, 2.662, मतलब ऐसे चलना है, 2.663, 2.664, इसके बाद वाले नंबर होंगे 2.666, 2.667 एंड दिस इज 2.67। तो ये पहले ही नंबर आ गया था, मिड पॉइंट था 2.66, 2.67 का 2.665। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ 2.665 ऑन द नंबर लाइन। इतना समझ में आया, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। 2.665 कैसे प्रोसीड करोगे, पहले तो नंबर लाइन पे देखोगे कि कौन से दो बड़े नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 2 या 3 के बीच में है, 3 या 4 के बीच में है, कौन से दो नंबर के बीच में।
पहले हमने चेक किया कि ये तो दो और तीन के बीच में लाई करता है, तो हमने दो और तीन के बीच में 10 पार्टीशन ले लिया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ऐसे तीन तक। अब आपने देखा कि मैम ये तो ना 2.6 से बड़ा है लेकिन 2.7 से छोटा है, तो 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा, तो वो पार्टीशन ले लिया और उसमें 10 हिस्से कर दिए। फिर आपने देखा कि मैम ये तो 2.66 और 2.67 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो वहां से फिर आपको आपका फाइनल प्रेजेंटेशन मिल गया फॉर 2.665। इतना समझ में आया? अभी तो कोई डाउट, थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी चीजें लगी होगी मैम ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, ये है रेशनल नंबर की प्रेजेंट, इरेशनल नंबर की प्रेजेंटेशन। रूट टू भी इरेशनल नंबर था, उसको भी हमने प्रेजेंट किया था। इसी तरीके से ज्योमेट्री यूज करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए। रेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स तो ऐसे ही प्रेजेंट हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स के लिए हम ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमने रूट 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। चलिए सबसे पहला स्टेप, स्टेप में बताती हूँ। स्टेप वन क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे ए बी जिसकी लेंथ हो 9.3, ले ली। स्टेप टू क्या करना है, सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में तो 9 पॉइंट जितना उन्होंने अंडर रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है उतने लेंथ लेके एक लाइन ले लेनी है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये जो ए बी लाइन थी ना, एक एक सेंटीमीटर पे एक और पॉइंट ले लो सी, एक यूनिट पर एक और पॉइंट ले लो सी, सेंटीमीटर नहीं, एक यूनिट पर एक एक लेंथ का हमने क्या ले लिया, एक और पॉइंट सी। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे बच्चों, ये जो पूरी लाइन है ए सी, इसका बीच का पॉइंट ले लो। कैसे निकालोगे बीच का पॉइंट, टोटल लेंथ कितनी है ए सी की, 9.3 प्लस 1 मतलब 10.3, तो इसका बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट 2 से डिवाइड कर दो। 10.3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.15 आएगा, है ना। तो ये जो लाइन है AC, इसमें बीच पे पॉइंट लेना है, उसका नाम रख देना है O। ठीक है, ये A था, ये B था, ये C था, ये जो लेंथ है ये 5.15 क्योंकि मिड पॉइंट है, ये लेंथ है 1, और OB जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे माइनस करके। 5.15 में से 1 गया तो 4.15। कितना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों? क्या किया है हमने, हमने पहले तो 9.3 लेंथ की एक लाइन ले ली, फिर एक सेंटीमीटर या एक यूनिट की अलग से लाइन ले ली, फिर जो टोटल लेंथ थी एसी उसका मिड पॉइंट ले लिया। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इतना, हाँ 5.15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानकर, ओ को सेंटर मानकर, और ये पूरा रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सेमी सर्कल बन गया, बन गया, ये स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या किया, सेमी सर्कल बना दिया, ओ को सेंटर मानकर सेमी सर्कल बना दिया, बना दिया। नेक्स्ट स्टेप, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे आर्क लेनी है, ये कट मारा, ये कट लिया, ये दोनों इस पॉइंट से भी कट लिया, इस पॉइंट से भी कट लिया, और इसको मिला दोगे सीधा, ये परपेंडिकुलर मिल गया। सपोज ये पॉइंट है डी, कौन सा पॉइंट है, ये डी मिल गया, बी डी आ गया, ओ और डी को ज्वाइन कर दो। ओ और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ और डी को ज्वाइन कर दिया। एक सेकेंड रुकना जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये कर देती हूँ साफ, इतना आई होप आपको समझ में आ गया। दोबारा से ये समझा दूंगी क्या लाइन थी वो, एक बार क्लीन डायग्राम से आपको प्लॉट करना सिखा दूँ मुझे, ठीक है। स्टेप फाइव कर रहे हैं, स्टेप फाइव कर रहे हैं, तो स्टेप फाइव देखो। अब तो ए बी लाइन थी, इसके बाद सी पॉइंट लिया था 1 पे, ठीक है, उसके बाद इसका हाफ पे एक पॉइंट ले लिया था ओ, तो 10.3 थी, तो ये डिस्टेंस पूरा आ गया था 5.15, ये डिस्टेंस बच गया था 4.15। फिर मैंने इसको ओ को सेंटर मानकर और ये रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया था, जो ये बन गया था
फिर मैंने क्या किया था, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो इस आर्क ए सी को कट करे पॉइंट डी पर, और ओ और डी को मिला दिया था, ओ और डी को मिला दिया था। ये 4.15 बचे। अच्छा ये है रेडियस इस सेमी सर्कल की, और ये भी क्या है रेडियस। तो जितनी ये लेंथ है ओ सी उतनी ही लेंथ ओ डी होगी। ओ सी की लेंथ कितनी है 5.15, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो गई 5.15। क्लियर सबको? वेरी गुड। बी डी बताओ कितना होगा। बी डी आप कहोगे मैम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि हाइपोटन्यूज पता है, ओ डी है हाइपोटन्यूज और मैम बी डी है परपेंडिकुलर एंड ओ बी है हमारे पास बेस, तो ओ डी की वैल्यू पता है 5.15 स्क्वेयर। बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओ बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ओ बी की वैल्यू 4.15 स्क्वेयर। तो यहां से आपके पास बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5.15 स्क्वेयर माइनस 4.15 स्क्वेयर, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना कि 5.15 का स्क्वेयर निकाल रहे हो, 4.15 का स्क्वेयर निकाल रहे हो और फिर माइनस कर रहे हो। नहीं बच्चे हम स्मार्ट बनेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो पुट कर दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 5.15 में से 4.15 गया तो 1 बचा, और इसको ऐड किया तो आपको मिल गया 9.3। कितना बच्चा मिल गया 9.3। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, √9.3। मतलब ये जो बी डी है ये तो उतनी लाइन है जितनी हमें चाहिए थी, √9.3 है ये तो। कितनी है? √9.3। मैम हमें तो यही प्लॉट करना था। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेशन की है, हमने जो स्टेप्स किए हैं, वो बी डी की ही लेंथ 9.3 लेने के लिए था। समझ में आया इतना बच्चे? इतना समझ में आया? आप देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चे। हाँ बीडी की वैल्यू आ गई 9 √9.3। अब पता है क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, ये मैंने एक्चुअली बहुत ही बड़ा दिखा रखा है बच्चे। इसको बी को सेंटर मानकर बी डी को रेडियस लेकर आप इधर एक आर्क ड्रॉ कर दो। आप कहोगे कि मैम क्यों, सॉरी बेटा सॉरी, आप कहोगे कि मैम क्यों इसको सेंटर क्यों मान के ड्रॉ करें, बी को सेंटर मानकर ये रेडियस क्यों लें? क्योंकि सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है, तो ये √9.3 है, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, √9.3। क्या मिल जाएगा? अंडर द √9.3। और ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन। ई इज द प्रेजेंटेशन ऑफ √9.3। यहाँ पर बी क्या है, जो आपके नंबर लाइन में जीरो सिस्टम होता था ना, वही वाला है। ये पूरी वन लेंथ है, बी सी वन लेंथ है। देखो ये जीरो, ये वन, और ये जो पूरी लेंथ है ये √9.3। समझ में आया सबको? क्या क्या स्टेप्स थे? पहला स्टेप, जितना भी रूट, जितने भी जो भी लेंथ की, जिस जिस भी लेंथ को प्लॉट करना उतनी लाइन ले लो। √9.3 को प्लॉट करना था उतनी लाइन ले ली। फिर 1 सेंटीमीटर और अलग से लाइन ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। फिर जो पॉइंट बी था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर की लेंथ उतनी होगी जितनी आपको रिजल्ट चाहिए, 9.3 चाहिए था 9.3 होगी। फिर बी डी को मानकर रेडियस, बी को मानकर सेंटर, एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। तो ये जो पॉइंट आएगा ई, ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.3। क्लियर सबको? अच्छे से समझ आया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। रिप्रेजेंटिंग, अच्छा उसके बाद है रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू 5.37 bar ऑन द नंबर लाइन अप टू 3 decimal places। बहुत आसान है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है 3 decimal places तक। एक्स क्या है आपके पास 5.37777, सो ऑन। इसको बच्चे डेसिमल के 3 places तक लिखना है। तो ये 7 7 है, आपने राउंड ऑफ वाला पढ़ा है ना कि अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो आप एक ऐड करके लिख सकते हो। तो ये जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है, 5.378 के इक्वल है। 3 decimal places तक प्लॉट करना था ना, तो 3 decimal places तक नंबर लिख लिए।
अब वही है, वैसे ही प्लॉट करेंगे, 5.378 किस किसके बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। इसके 10 पार्टीशन कर लो, 5.1, 5.2, बीच में आएगा 5.5, इधर आएगा 5.3, ये 5.4, ऐसे ही चलो जाओ 6 तक। अब लेकिन हमें तो नंबर चाहिए 5.378, तो वो क्या होगा, 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा, है ना, 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा। इसके भी पार्टीशन कर लो, जो मिडिल नंबर वो होगा 5.35, इधर मिलेगा 5.36, इधर मिलेगा 5.37, ये 5.38। अब आप कहोगे मैम नंबर है 5.378, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 5.37 और 5.38 के बीच में। फिर से इसके पार्टीशन कर लो, बीच वाला नंबर 5.375 मिलेगा, ये 5.376, 5.377, 5.378, ये नंबर आ गया आपका 3 डेसिमल प्लेस तक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार। इतना समझ में आया बच्चों सबको? कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, जल्दी से बताओ। अभी तक सबको क्लियर हो गया है ना, सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देखो क्या होता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इस बच्चे को 4 रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो 4 रिजल्ट्स कौन कौन से हैं वो देखो। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, जो आप रेशनल नंबर्स के बारे में तो पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर्स के बारे में क्या रिजल्ट आप पढ़ चुके हो क्लास 8 में, कि अगर आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, और अगर 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, एक्सेप्ट कि 0 से डिवाइड ना कर रहे हो, तो आपको आंसर फिर से एक रेशनल नंबर मिलने वाला है। मतलब 2 रेशनल नंबर के ऊपर चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये है पहला रूल जो आप पढ़ चुके हो, जैसे कि 2 + 1/2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 5/2, एक रेशनल नंबर है ना। 1/2 -1/2 करोगे, 0, एक रेशनल नंबर है। 1/2 × 1/2 करोगे, 1/4, एक रेशनल नंबर है। 1/2 को डिवाइड करोगे, 1/2 से 1 मिलेगा, वो भी एक रेशनल नंबर। तो ये तो था रेशनल नंबर के बारे में। क्या हम इरेशनल नंबर के बारे में यही बात बोल सकते हैं? चलो चेक करते हैं, क्या 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर इरेशनल नंबर ही मिलता है, या 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर इरेशनल नंबर मिलेगा? मिलेगा, चलो चेक करते हैं। √2 में से मैंने √2 माइनस कर दिया, क्या मिला, 0। 0 रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, हाँ जी, सॉरी, रैशनल है। √2 में से √2 को माइनस करोगे, 0 मिलेगा, 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो जरूरी नहीं है कि आंसर इरेशनल ही मिलने वाला है। ऐसे ही अगर मैं √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या मिलेगा, 2। क्या ये इरेशनल है? नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं 2 को √2 से मल्टीप्लाई करती तो 2√2 मिलता, और वो इरेशनल नंबर जरूर होता। ये हम आगे पढ़ेंगे, बात कर रहे हैं हम दोनों इरेशनल नंबर्स की, सॉरी। ऐसे ही मैं √2 को √2 से डिवाइड करूंगी, आंसर क्या मिलेगा, 1। 1 क्या है, फिर से एक रैशनल नंबर। तो बच्चों यहां से हमें पता चला कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर जरूरी नहीं है कि रैशनल ही मिले, आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ऐड करोगे √2 + √2 को तो √2 √2 ही मिलेगा, है ना। ऐड करने पे तो नहीं आ रही है प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर आ रही है, कि आप 2 नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। नेक्स्ट,
सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ दो दोनों रैशनल नंबर के बारे में, दोनों इरेशनल नंबर के बारे में। क्या हो एक नंबर रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो रिजल्ट क्या आएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक है नंबर टू, एक है नंबर रूट टू, मैं दोनों को माइनस करूंगी तो आंसर मिलेगा 2 - √2, दोनों को ऐड करूंगी तो नंबर मिलेगा 2 + √2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 √2, और अगर डिवाइड करूंगी तो √2/2 यानी कि 1/√2। और सारे ही केसेस में आंसर क्या मिला, एक इरेशनल नंबर। क्या मिला, एक इरेशनल नंबर। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर रैशनल और इरेशनल को सम और डिफरेंस लोगे तो आपको इरेशनल मिलने वाला है। यही दो आंसर, यही दो रिजल्ट्स हैं जो मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर इज इरेशनल एंड सम एंड डिफरेंस इज ऑल्सो इरेशनल। हाँ जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते तो वो केस नहीं कंसिडर करेंगे। तो इन शॉर्ट दो रैशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो जीरो को छोड़कर, तो आपको रैशनल ही मिलेगा। दो इरेशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालो ना, उनको या उनका प्रोडक्ट निकालो, तो जरूरी नहीं है कि रैशनल मिले। दोनों मिल सकते हैं, रैशनल भी मिल सकते हैं, इरेशनल भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि अगर एक नंबर है रैशनल, एक है इरेशनल, फिर चाहे उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर हमेशा 100% इरेशनल होने वाला है। इतनी बातें क्लियर। चलो बच्चे अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर जो रूट वाले नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो ये रही, ए और बी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जैसे कि 2 हो गए, 3 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, आपकी मर्जी है। ए और बी आप जो भी लेना चाहो आप वो ले सकते हो। तो ए और बी क्या है, कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बात हो रही है कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। पहली जो प्रॉपर्टी है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, मतलब रूट को आप सेपरेटली दोनों नंबर्स पे लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास √2 × √3 है तो मैं इसको √6 लिख सकती हूँ, √5 × √11 है मैं इसको √55 लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आई प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसे ही √a/b, मतलब एक फ्रैक्शन है उसके ऊपर रूट है, तो देखो न्यूमिनेटर पे अलग से रूट लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग से रूट लगा सकते हैं। जैसे कि अंडर द √5/11 इसको लिख सकते हैं √5/√11। क्या समझ में आया सबको, अच्छे से समझ में आया। चलो बच्चे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड प्रॉपर्टी √a + √b × √a - √b। आंसर पे नहीं जाएंगे। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ बच्चों, सपोज ये होता x मेरे पास और ये होता y, तो x + y × x - y क्या बनता, कौन सा फॉर्मूला होता, a + b × a - b या x + y × x - y। बहुत बढ़िया, वो फॉर्मूला होता x² - y²। क्या होता, x² - y²। तो x की जगह क्या है यहाँ पर, √a, y की जगह क्या है √b, पुट कर दो वैल्यू √a² - √b², और जब रूट का स्क्वेयर लेते हो तो a मिलेगा, इधर मिलेगा b। आ गई आइडेंटिटी समझ में, बिल्कुल। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। थर्ड, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सही कहा, जैसे ऊपर किया वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b × a - b वाला, a² - b² वाला। तो ये बन जाएगा a² - b, √b² होता है b। अब आ जाओ फिफ्थ पर, फिफ्थ भी को देखो फॉर्मूला नहीं कहेंगे इनको, और इनको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने अब तक अपना जितना मैथ सीखा है ना वही अप्लाई करेंगे, याद करके, क्योंकि भूल जाते हैं, याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद नहीं करेंगे, समझेंगे। तो देखो ये है आपके पास आइडेंटिटी कि दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं। 5 + √7 है, 2 + √5 है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पहले 5 को करेंगे 2 से, फिर 5 को करेंगे √5 से, तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 + 5 × √5, 5 √5।
अब आ जाओ रूट सेवन पे, रूट सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टू रूट सेवन मिला, और रूट सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे रूट फाइव से। अब आप कहोगे कि मैम अभी हमने ऊपर ये रिजल्ट पढ़ा है कि रूट फाइव रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो रूट सेवन इंटू रूट फाइव को लिख सकते हैं रूट थर्टी फाइव, और ये रहा हमारा आंसर। और ऊपर भी यही फॉर्मूला है बच्चे, इसी को मल्टीप्लाई करोगे ना रूट ए को रूट सी से करोगे तो रूट ए सी मिला, रूट ए को रूट डू डी से करोगे तो रूट ए डी मिल गया, ऐसे रूट बी को रूट सी से करोगे तो रूट बी सी मिल गया, और रूट बी को रूट डी से करोगे तो रूट बी डी, सेम फॉर्म चीज है। हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, उन्होंने आइडेंटिटी बना दिया, बट हम याद नहीं करेंगे, हमने अब तक मैथ्स के जितने बेसिक सीखे हैं उनको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स पार्ट, बहुत आसान। आप कहोगे मैम ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें तो फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एक्स की जगह क्या है? रूट ए। वाई की जगह क्या है? रूट बी। पुट कर दो इस फॉर्मूले में तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी, क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। या फिर बच्चे जैसे पीछे सॉल्व किया था ना वो भी कर सकते हो, इस स्क्वेयर टर्म को ऐसे लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए प्लस रूट बी, और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस फॉर मल्टीप्लाई, फिर रूट बी को रूट ए से मल्टीप्लाई करो, रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो इतना होने के बाद ये रहा आपका होमवर्क, इसको आपने करना है ये सेशन खत्म होने के बाद। आंसर मुझे बताओगे कमेंट्स में, और जो टॉप फाइव कमेंट्स होंगे उन बच्चों के लिए हम देने वाले हैं क्लैपिंग अपने नेक्स्ट सेशन में, है ना? कितनी मेहनत करते हो इतना तो बनता है। तो मैं पांच जो मेरे टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया होगा उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तो जल्दी से आंसर लिखना है। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत जगह यूज होता है ना, बहुत जगह यूज होता है, 10th में, 11th में, 12th में, आगे किसी भी कॉलेज में जाओगे तो ये कैसे, जैसे ऐड करना बेसिक है ना, कि मैथ्स आना है तो पहले ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये चीजें आनी चाहिए, ऐसे रैशनलाइज करना आना चाहिए। अच्छा रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर है तो उसको किसी भी तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, वो हो जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और किसी भी तरीके से नहीं, एक ही तरीका है उसका, बड़ा आसान तरीका है, पता है क्या? देखो जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हो, सपोज आपके डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस बी है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो क्या करना है? सिंपल एक चीज करनी है, ये जो भी साइन है इसको बदल के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो सेम टर्म से। तो रूट ए माइनस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए माइनस बी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मिल जाएगा रूट ए माइनस बी, नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, तो ये नीचे बन गया ए माइनस बी स्क्वेयर। अब नीचे देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ गया? एक रैशनल नंबर। तो हमारा जो काम था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, हम कर चुके हैं, हमने डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में बदल दिया। ये प्रोसेस हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो, जहां पे भी नीचे रूट आ रहा है। यहाँ पे तो प्लस साइन था, आप कहोगे मैम कई बार ऐसे भी होगा सिर्फ नीचे टू लिखा हुआ है तो प्लस नहीं है, तो सिर्फ ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर नीचे होता रूट टू प्लस वन तो ऊपर मल्टीप्लाई करते रूट टू माइनस वन से, और नीचे भी रूट टू माइनस वन से। समझ में आया कि रैशनलाइज कैसे करना है? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते, सिंपल बात खत्म। अब आ जाता है बच्चों आज का आखिरी टॉपिक है ये, आज ये खत्म है, इसके बाद चैप्टर खत्म है सारा चैप्टर। अगर आपने ये चीजें समझ ली, पूरा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम टिप्स पे हो जाने वाला है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, खुद सारे क्वेश्चंस कर सकते हो,
जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है अपनी बुक उठाना और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर करना। ओके, तो देखो क्या है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो जीरो से बड़ा है, पी और क्यू है रैशनल नंबर, तो पहला रिजल्ट अगर ए की पावर है पी और ए की पावर है क्यू और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस रहेगा सेम और पावर हो जाएंगी ऐड, फॉर्मूला नंबर वन। मान लो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, दो बार लिखने से क्या फायदा, दो दो को एक ही बार लिखो, पावर को कर दो ऐड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। और अगर आप पूछते मैम अगर डिवाइड करते तो क्या होता, तो बच्चे हो जाता सब्ट्रैक्ट, जो ऊपर पावर है उसमें से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती। इतनी बात समझ में आई। सेम बेस है, बेस होता है जिसके ऊपर पावर रखी गई है, तो जहाँ पे बेस है ए सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होगी और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर होगी सब्ट्रैक्ट। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट देखो, ए की पावर है पी और उसी की पावर है क्यू, तो कहते हो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए पी इंटू क्यू कर दो, रिजल्ट सेम आए दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं कहूँ कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, आप कहोगे मैम डायरेक्टली लिख दो ना 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12, है ना, यही हुआ। अब बच्चा जो फोर्थ रिजल्ट है वो देखो, ए की पावर है पी और बी की पावर भी पी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, इन दोनों की पावर पी, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये है हमारे 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, इन्हीं पे बेस्ड है क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चे वो रहा आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट पार्ट देखो, 64 की पावर 1/2 इसको सॉल्व करना है। देखो मैं मेरे को इस तरीके से लगना है 64 को भी पावर 2 आ जाए ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो 60, क्योंकि 64 को आप पता है 2 की पावर भी लिख सकते हो, 4 की पावर भी लिख सकते हो, है ना, 8 की पावर में भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो 64 को मैं पता क्या लिख सकती हूँ, 8² और उसकी पावर 1/2। तो क्या होगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए की पावर पी है और उसकी पावर क्यू है, तो वो हो जाएगा ए पी इंटू क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 8। सबको समझ में आ गया, इजी है ना। हाँ जी, अब आ जाओ थर्ड सेकेंड पार्ट पे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि मैं 32 को ऐसे कैसे लिखूं कि मेरा जो 5 कैंसिल हो रहा हो या कुछ इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो आप ना क्या करोगे, 32 का एलसीएम निकालोगे, 2 से करोगे सबसे पहले, तो ये तो 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2, कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि वही फॉर्मूला लगाएंगे ए रेस्ट पावर पी और इस पूरे की पावर क्यू किसके इक्वल होती है, ए रेस्ट पावर पी क्यू। क्या समझ में आया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से खुश हो जाओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जब तक आप, क्योंकि आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, तो फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फर्स्ट देखो, प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं ना वो यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो बच्चे, क्या है इसमें, क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया इसमें, इसमें आपने नोटिस किया कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी ऐड, पावर हो जाएगी ऐड। एलसीएम लोगे 15, 10 + 3 आ गया 13/15, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15 इज योर आंसर, इज योर आंसर, यस। सेकंड पार्ट देखो बच्चे, सेकंड पार्ट 1/3³ और इस पूरे की पावर 7, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 एंड 3 3 इसकी पावर 7, प्रॉपर्टी थी तो ये 1 और 3 की पावर 21। इतना आया समझ में सबको, वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखो, सेम बेस है पावर हो रही है, सेम बेस है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 11 में से 1/2 माइनस 1/4 बचेगा 1/4, तो ये आ गया आपका आंसर। ये आंसर हमने कैसे निकाले बच्चों, ये आंसर निकाले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके ये हमने आंसर निकाले हैं। तो आपने भी क्या करना है, जितना भी मैंने चैप्टर कराया है सारा रिवाइज करना है, फिर साथ साथ क्वेश्चन भी सारे करने हैं। क्यों? कि द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जब तक मैथमेटिक्स नहीं करोगे बच्चों, मैथ्स के बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, वो स्पीड नहीं बनेगी, वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी बुक उठाओ, NCERT उठानी है, कोई दूसरी बुक उठानी है, उसके सारे क्वेश्चंस करो, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें समझा दो, इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बताना कि मैम हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो ये तो था बच्चे आज के सेशन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। आप कहोगे मैम सब्सक्रिप्शन क्यों, क्योंकि उससे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस घर पे बैठ के, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना। उसके साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा, रेगुलर डाउट सेशन सॉल्विंग होंगे, और सारा सिलेबस कवर होगा। तो जो डिटेल्स हैं आपकी, प्राइसिंग है जो सब्सक्रिप्शन की, प्लस के लिए देखो बच्चे 9, 10, 11, 12 के लिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 3 मंथ्स के लिए आपको 7500 पे करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप क्या पे कर सकते हो, 6 मंथ्स के लिए 10,000, ये तो है नॉर्मल प्राइस। लेकिन अगर आप यूज करते हो मेरा कोड SAVITA तो आपको 10% ऑफ मिलता है। तो जो आप जिस प्लान के लिए आप मान लो 7,500 रुपये पे करने वाले थे, आपको सिर्फ करीबन 6,500 के आसपास पे करना पड़ेगा, मतलब 6,750। इसी तरीके से हर एक पे 10% ऑफ मिल रहा है, फ्लैट 10% ऑफ। ये तो था प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बच्चे बताती हूँ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो प्लस मेंबर्स से एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो है कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, पर्सनल आपके मेंटोर जो हैं वो आपको गाइड करेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलेगा, और सारे के सारे बेनिफिट्स। इसकी भी जो प्राइसिंग डिटेल्स है बच्चा, वो उसके स्क्रीन पर है। फिर से अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलता है, कोड यूज करना पड़ेगा उसके लिए SAVITA, ये कोड यूज करो, ठीक है। तो बच्चे ये थे आज के बारे में। अब आपने क्या करना है, अनअकैडमी आपको करना है शेयर, ऑल्सो करना है डाउनलोड, और जल्दी से आके मेरे साथ पढ़ना है, अपनी मैथ्स की जर्नी शुरू करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे बच्चे, लेट्स क्रैक इट।